अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नन की एपिसोड 32 में आप देखेंगे हसन साकब से कहता है कि इससे पहले कि जहांगीर हमारी आपी को छोड़े, हम आपी का पीछा उस जहांगीर से छुड़ा लेते हैं। साकब गुस्से में कहता है कि जहांगीर इस काबिल ही नहीं कि वो हमारी आपी के साथ रहे, इसलिए साकब तलाक के पेपर्स बनवा लेता है और गौहर से कहता है कि आपी आप इन कागजात पर साइन कर दें। लेकिन गौहर उन कागजात पर साइन नहीं करती क्योंकि वो इतनी आसानी से राबी और जहांगीर का पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो उनको कभी चैन से रहने नहीं देगी। वो अपने भाइयों को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और जहांगीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है और कुछ देर बाद पुलिस को लेकर जहांगीर के घर आ जाती है। पुलिस जहांगीर को पकड़ कर ले जाती है। गौहर घर के बाहर शोर मचाती है और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सबको रो रो कर दिखाती है कि जहांगीर ने मुझे धोखा दिया है, मेरी साबका भाभी से उसने शादी कर ली है, हमें हमारा हक चाहिए। राबी बहुत परेशान होती है। उधर गौहर घर जाकर अपने भाइयों के दिल में राबी और जहांगीर के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अपने सर पर गुलदान मार लेती है ताकि गौहर की हालत को देखकर उसके भाई राबी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। गौहर को इस हालत में देखकर साकब गुस्से से जहांगीर के घर जाता है और जाकर राबी के मुँह पर थप्पड़ मारता है। जहांगीर उस वक्त पुलिस स्टेशन होता है, इसलिए साकब राबी को गुस्से से पकड़कर अपने घर ले जाता है और जाते ही अपनी बहन के आगे पटख देता है और राबी से गुस्से में कहता है कि मेरी बहन से माफ़ी मांगो, जो हरकत तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। क्या राबी गौहर से माफ़ी मांग लेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।